हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो होने वाली है ड्यूक लवर्स के लिए और खासकर उनके लिए जो कि KTM ड्यूक 390 को काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं और ड्यूक 390 को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा नई वाली मॉडल KTM ड्यूक 390 का जो है फोटो सामने आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें मैंने कुछ चीज़ें बताई थी, बट अभी दोस्तों और भी क्लियरली वाली फ़ोटो जो है वो सामने आ चुकी है। सो दोस्तों, आज के शो में चलिए बात करते हैं अपकमिंग ड्यूक 390 के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे फ़ोटोज़ के हिसाब से कि फ़ोटोज़ में अगर देखा जाए तो कंपनी ने इसमें क्या क्या चेंजेस किए हैं, क्या क्या चीज़ें क्लियरली सामने आ रही है, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। सो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे जो ड्यूक 390 है भाई, उसका कहीं ना कहीं आपको जो डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, उसका जो लुक देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी यूनिक और काफ़ी नया देखने को मिल रहा है। अगर आप फ़ोटोज़ में देखेंगे दोस्तों तो ड्यूक 390 आप देख पा रहे कि सबसे पहले इसमें आप लोगों को जो कलर ऑप्शन है वो भी नया देखने को मिलेगा। नया जो ब्लू कलर ऑप्शन है वो कंपनी ने यहाँ पे दी हुई है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इसके फ्रंट डिज़ाइन के बारे में। तो बाइक में आपको पहले की तरह फुली LED सेटअप में लाइट तो देखने को मिल रहा है, बट दोस्तों आपको बताना चाहूँगा जो लाइट का डिज़ाइन है उसे भी कंपनी ने थोड़ा सा चेंज किया है, जो कि थोड़ा और ज़्यादा शार्प लग रही है। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसे आपको पता ही है कि KTM की जो 1290 आती है उससे ये लोगों ने इसे इंस्पायर्ड करके बनाया है, तो कहीं ना कहीं इसका जो डिज़ाइन है वो हमें काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों अगर देखें तो KTM की जो ड्यूक 390 की जो फेयरिंग है वो कंपनी ने उसे भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। अगर आप अभी जो ड्यूक 390 अवेलेबल है उससे कंपेयर करेंगे तो इसकी जो फेयरिंग है उसे भी कंपनी ने पूरी तरीके से नया डिज़ाइन किया है, जो कि बाइक को ये लोग और भी ज़्यादा शार्प डिज़ाइन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों मैंने एक चीज़ और नोटिस की इस बाइक के फ्रंट सस्पेंशन। देखिए दोस्तों, आप लोगों को बाइक में सेम ब्रांड के सेम सस्पेंशन ही मिलेंगे, बट उसमें कुछ और फीचर ऐड कर दिए गए हैं। इसमें WP के 37mm के USD यानी कि अप से डाउन सस्पेंशन देखने को मिल रहे हैं, बट अगर आप फ्रंट सस्पेंशन अच्छी तरीके से देखें तो इसमें अब दोस्तों आप लोगों को जो है एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिल रहा है। जी दोस्तों, यहाँ पे जो एडजस्टेबल सस्पेंशन है वो कंपनी ने यहाँ पे दी हुई है, तो ये भी एक मेजर अपडेट आपको ड्यूक 390 में देखने को मिला है। दोस्तों, ये भी एक जो अपडेट है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं ब्रेकिंग के बारे में। तो फ्रंट की जो ब्रेकिंग प्लेट है वो कंपनी ने अब चेंज कर दी, जो कि नई वाली RC सीरीज में प्लेट आई है, जिसका जो बीच का सपोर्ट है वो कंपनी ने पूरी तरीके से हटा दिया है, जिससे ब्रेकिंग प्लेट जो है और भी ज़्यादा बेहतर हो गई है और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी ब्रेकिंग में। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं इस बाइक के इंजन के बारे में। दोस्तों, अगर आप देखें इस फोटोज़ के हिसाब से तो कहीं ना कहीं कंपनी ने इस बार दोस्तों इंजन भी चेंज किया है। KTM ने अभी तक अपने किसी भी मॉडल में इंजन चेंज नहीं किया था, बट अगर अब ये ड्यूक 390 अगर आप देखें, इसका इंजन देखें, तो कंपनी ने इसकी जो इंजन है वो भी चेंज कर दी है। दोस्तों देखिए, यहाँ पे आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा, इंजन की जो पावर एंड परफॉर्मेंस है वो तो आपको ऑलमोस्ट सेम पहले की तरह देखने को मिलेगी, जो कि 373.3 cc का लिक्विड कूल 4:2 DOHC 4 वाला इंजन आता है, और ये बाइक मैक्सिमम पावर में अराउंड 43.5 के आसपास की PS पावर जनरेट करती है। एंड वही लगभग इस बाइक में आपको 37 के आसपास का जो इंटरमीडियन टॉर्क है वो आपको 390 में देखने को मिलता है। बट दोस्तों अगर आप देखें तो इंजन का जो लुक एंड डिज़ाइन है वो कंपनी ने पूरी तरीके से चेंज कर दिया है। जो इंजन का डिज़ाइन है मुझे थोड़ा ज़्यादा बेहतर लग रहा है, और हो सकता है इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लाइक बॉडी टू वेट रेशियो, इंजन कूलिंग परफॉर्मेंस, या फिर क्वालिटी बढ़ाने की कोशिश की हो, बहुत सारे ऐसे कारण हो सकते हैं। तो कंपनी ने इंजन का डिज़ाइन भी पूरी तरीके से चेंज किया है। एंड आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, एक सबसे बड़ी चीज़ मैंने नोटिस की है कि अब 390 में भी आपको अंडर बेली एग्जॉस्ट देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, देख पाएंगे कि नई वाली 390 में अब अंडर बेली एग्जॉस्ट आते हैं। उसके बाद दोस्तों, इस बाइक की जो टेल लाइट है कंपनी ने उसे भी पूरी तरीके से चेंज कर दिया। टेल सेक्शन का डिज़ाइन भी पूरा नया है, एंड यहाँ पर आप लोगों को नई वाली जो LED टेल लाइट है वो आपको बाइक में देखने को मिलेगी। प्लस बाइक की जो स्विंग आर्म है उसे भी कंपनी ने चेंज किया है। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों यहाँ पे कि बाइक पे दोस्तों आप लोगों को जो चेसी है उसे भी कंपनी ने पूरी तरीके से नया डिज़ाइन किया हुआ है। जी हाँ, नई चेसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म भी करेगी, बॉडी टू वेट रेशियो कम होगा,
और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा शायद बाइक इससे और भी ज़्यादा एरोडायनेमिक भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी जो है KTM ने काफ़ी अच्छी तरीके से काम किया हुआ है, मानना पड़ेगा भाई, काबिले तारीफ है। ये सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी अच्छे से दी हुई है। उसके बाद दोस्तों स्पीडोमीटर के बारे में बात कर ले तो स्पीडोमीटर जो है वो पहले की तरह सेम है। इसमें आप लोगों को फुली जो डिजिटल मीटर है वो आपको देखने को, सॉरी यार, TFT डिस्प्ले आपको बाइक में देखने को मिलता है पहले की तरह। यहाँ पे कंपनी ने कोई चेंज नहीं किया है, लेकिन नो डाउट यहाँ पे भी जो है काफ़ी अच्छी तरीके से कंपनी ने काम की हुई है। बाकी दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को नई वाली जो Duke 390 है वो कैसी लग रही है दोस्तों। हालांकि मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर होने वाली है, बहुत जल्द मुझे लग रहा है मतलब एक आध साल के अंदर तो आपको ये बाइक मिलेगी ही मिलेगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इंटरेस्टिंग वीडियो दोस्तों अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।